चारों धाम की यात्रा संपन्न हो चुकी है, जिसके बाद से चारों धाम के आसपास के गांव में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत चीन सीमा के अंतिम गांव माणा में भी इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग यहां घरों में ताला लगाकर जा चुके हैं। बता दें, कड़ाके की ठंड में यहां लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग गर्मियों में यहां आते हैं और जाड़ों में यहां से चले जाते हैं। माणा गांव बद्रीनाथ धाम के पास स्थित है, जो कि देश का अंतिम गांव के नाम से जाना जाता है। माणा गांव के पास ही सेना के कैंप है। चौकियों पर यहीं से सेना के जवान आवागमन करते हैं। भारी बर्फबारी के बाद माणा गांव में मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है और यहां आने वाले पर्यटक इस गांव की काफ़ी सराहना कर रहे हैं। हालांकि अभी गांव में कोई नहीं है, लेकिन माणा गांव को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। एक चीज़ मिस कर दी, वो है चाय की दुकान, जो लास्ट माणा गांव में इंडिया का वहाँ एक चाय की दुकान है। वो चाय की दुकान इस टाइम हटा दी गई थी शिफ्ट करने के लिए। हम पहले बद्री विशाल जी आए थे दर्शन करने, अब उसके बाद फिर माणा गांव आए, पता लगा कि इंडिया का लास्ट विलेज है, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे हमें, हमारे साथ प्यार से बोले, घुमा के लाए और बहुत बढ़िया। सुरेंद्र ढाका हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र, माणा गांव की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस गांव में तापमान इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जो मौसम है वो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि लोगों को यहां से जाना पड़ता है, लेकिन पर्यटक यहाँ पर लगातार आते हैं। क्या बताना चाहेंगे माणा गांव के बारे में? देखिए हिना, मैं आपको बता दूं, अब मौसम अपना रुख बदल रहा है और ठंड जैसे जैसे दस्तक देगी, तो जो माणा गांव में लोग रहते हैं वहाँ बर्फ इतनी जम जाती है, जैसे बद्रीनाथ कपाट बंद हुए हैं बद्रीनाथ भगवान के, और उसके बाद से और नीचे आने का सिलसिला लोगों का शुरू हो जाता है। हालांकि पर्यटक बर्फबारी देखने वहाँ जाते रहते हैं, और जिस तरह 2 दिन का अलर्ट अभी मौसम विभाग ने जारी किया है, उससे कहीं ना कहीं बर्फबारी की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, और अभी दूसरी बर्फबारी मौसम की होगी अगर मौसम विभाग का अनुमान सही रहता है। तो अब जो माणा लोग हैं वो नीचे आएंगे, और जैसे ही ये बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे उसके बाद ये सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने गाँव में आराम करते हैं, अपने गाँव में जो काम रोजमर्रा के काम है वो करेंगे। तो फिलहाल लौटने का सिलसिला है और ठंड ने दस्तक दे दी है, जिससे पूरा जो तराई वाला इलाका है उसमें भी जो तापमान है लगभग 2 से 3 डिग्री नीचे आ जाएगा, जिससे कड़ाके की ठंड तराई वाले इलाकों में भी देखने को मिलेगी। ना तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।